हूँ आपका मेजबान मोहम्मद उमर बुखारी। नाजिन, जैसे कि मुल्क भर में एक गर्मी की शदीद लहर चल पड़ी है, जिसकी वजह से लोगों ने ठंडे इलाकों का रुख करना शुरू कर दिया है। इसी वजह से मैं मौजूद हूँ ट्रैवल एजेंसी के ऑफिस में, जो कि एक कस्टमाइज टूर लेके जाते हैं मुख्य ठंडे इलाकों में। मैं इस वक्त उनके मैनेजर के पास मौजूद हूँ, आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा अपनी एजेंसी के बारे में, आप किस तरह टूर लेके जाते हैं और मुझे डिटेल बताइएगा जरा। हमारे डिफरेंट टूर्स होते हैं, जिसमें कस्टमाइज टूर्स भी होते हैं और पब्लिक टूर्स भी होते हैं। हमारा हर वीक टूर निकलता है जुमेरात की रात को और जुमे की रात को, जिसमें मुख्तलिफ मुल्तान के लोग जो हैं वो ज्वाइन करते हैं। कस्टमाइज टूर इस तरह से होता है, काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फैमिली के लोग, फ्रेंड्स वगैरह, तो वो हमसे कस्टमाइज टूर भी अपना करवा सकते हैं। तो इस तरह ये हम अपनी टूरिज्म की सर्विसेज दे रहे हैं मुल्तान से। अच्छा, मुझे बताइएगा अपने पैकेजेस के बारे में बताइएगा, और कितने दिन तक के टूर आप लेके जाते हैं? हमारा 3 दिन से स्टार्ट होता है मिनिमम, और 10 दिन का भी टूर अगर कोई चाहे तो बुक कर सकता है, लेकिन वो कस्टमाइज होगा। ठीक है, अगर आपने पब्लिक टूर ज्वाइन करने हैं तो उसमें 5 डेज हुंजा का टूर है, 3 डेज नारान का टूर है, 3 डेज कश्मीर का टूर है, 3 डेज सवात का टूर है। तो इस तरह से ये हमारे टूर जो हैं ये मुल्तान से जाते हैं। बाकी अगर कोई 8 दिन का, 10 दिन का, 6 दिन का, वो अपने फेजिबिलिटी के मुताबिक अगर कोई करवाना चाहे तो वो हमसे करवा सकता है, 10 दिन का भी टूर बुक करवा सकता है, उसका कोई मसला नहीं। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताइएगा कि जिस तरह के कपल्स हैं, कपल जाना चाहें तो उनके लिए कस्टमाइज टूर के लिए क्या फैसिलिटीज होंगी और क्या क्या ये होगा? हम ऑलरेडी भी कपल्स के काफ़ी कस्टमाइज टूर करवा चुके हैं, और बाकी जैसे आपने पूछा तो कोई मसला नहीं है, कपल हमारे साथ जाएं, उनके लिए हम हर चीज़ अच्छी सी वहाँ पे जो है अरेंज करते हैं। सेपरेट रूम्स होते हैं, उनके डेकोरेट करवाते हैं रूम, और यहाँ से उनके कस्टमाइज, कुछ लोग अपनी गाड़ी पर जाना पसंद करते हैं, कुछ को हम लोग जो है ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। तो कपल की हर चीज़ सेपरेट होती है, उनका फूड हो गया, उनकी जीप्स हो गई, सब कुछ इंक्लूड करके जो है हम कपल का पैकेज बना के देते हैं, ताकि वहाँ पे जाके कपल्स को कोई परेशानी ना हो, कोई चीज़ उनको खुद से अरेंज ना करनी पड़े। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आप कपल्स को भी लेके जाते हैं और फैमिलीज वगैरह, तो इसमें आप यकीन सिंगल लोग भी मौजूद होते होंगे, तो उन आपकी सिक्योरिटी के हवाले से आपका क्या कंसर्न होता है, आप किस तरह उनको मैनेज करते हैं? जी, इस हमारा इस तरह से होता है, सबसे पहली जो हमारी प्रायोरिटी होती है ना, वो हम ये करते हैं कि बॉयज़ जो होते हैं सोलो बॉयज़, उनकी कोस्टर अलग करते हैं और फैमिलीज़ की अलग करते हैं। ठीक है ना, हमारी कोशिश ये होती है कि हमारी इतनी सीट्स हो जाएं कि फैमिलीज़ की गाड़ी सेपरेट हो जाए और बॉयज़ की सेपरेट हो जाए। अगर किसी इशू की वजह से ये नहीं हो पाता, कोई ग्रुप हमारा कैंसिल हो जाता है, उसमें फिर हम ये करते हैं कि फैमिलीज़ को हम फ्रंट की सीट्स दे के आगे सेपरेट कर देते हैं, और जो सोलो बॉयज़ होते हैं उनको हम पीछे वाली सीट्स दे देते हैं, ताकि किसी किस्म की कोई डिस्टरबेंस ना हो। अच्छा, आपने ये बता दिया, कुछ इलाके जो कि बहुत ज़्यादा सुनसान होते हैं, तो वहाँ पर फैमिलीज के लिए सिक्योरिटी का क्या सुनसान होता है? हमारा एक प्लान होता है पूरे टूर का ना, 3 डेज का है, 5 डेज का है, उसमें हमने पॉइंट्स अपने लिखे हुए मेंशन किए होते हैं, हम उस प्लान के तहत चलते हैं, तो हम उन जगहों पे लेके ही नहीं जाते जो इस तरह की होती हैं। अगर हम जाते भी हैं तो हमारा गाइड बिल्कुल साथ होता है उनके। ठीक है, उनको एक ही चीज़ गाइड कर रहा होता है, बता रहा होता है, वो अपने साथ ही उनको वापस लेके आता है। तो इस तरह का कोई भी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं आया, और ना इंशाल्लाह आगे इस तरह कोई इशू होगा। अच्छा, आप ये बताइएगा आपके शेड्यूल के बारे में, आप जरा बताइएगा आपका वीकली क्या शेड्यूल है, और जैसे कि आगे बकरा ईद आ रही है तो बकरा ईद पर आप कौन कौन से टूर और कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं? वैसे तो हमारे वीकली टूर्स 3 डेज नारान, 3 डेज कश्मीर और 3 डेज सवात और 5 डेज रेगुलर मुल्तान से जा रहे हैं। ठीक है, 3 डेज के जो टूर्स हैं वो जुमे रात की रात, और 5 डेज का जुमे की रात को रेगुलर मुल्तान से डिपार्चर होते हैं। और जो ईद के जो हमारे टूर्स हैं उसमें हमारा हमजा भी जा रहा है, और 3 डेज नारान भी जा रहा है, और कश्मीर भी जा रहा है। ईद के पहले दिन भी डिपार्चर्स हैं, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, तो इंशाल्लाह तीनों दिन मुल्तान से ईद के लिए जो है ना टूर्स। अच्छा, आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, अब अपनी कंपनी का नाम भी बता दीजिएगा, और ये बता दीजिए क्या सिर्फ आप मुल्तान में ही आपका ऑफिस है या फिर दूसरे शहरों में भी मौजूद है? हमारा मुल्तान में भी ऑफिस है WM ट्रेवल्स के नाम से, इसके अलावा हमारा इस्लामाबाद में, डेरा इस्माइल खान में, और पीरपुर खास में, लाहौर में, तो हमारे टोटल 5 ऑफिस है पूरे पाकिस्तान में, जो सारा ऑल ओवर जो है काम टूरिज्म का हम कवर कर रहे हैं। तो नाज़िन, हम WM ट्रेवल्स के मैनेजर के साथ बात कर रहे थे, आपने सुना उन्होंने अपनी कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी, तो अगर आप भी नॉर्दर्न एरियाज जाने का प्लान बना रहे हैं तो इनसे रब्ता करें और अपने टूर को यादगार बनाएं। इसी के साथ अपने मेज़बान उमर बुखारी को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।